तो हेलो गैस, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जो पिछली वीडियो में आपको मैंने 5 एम्पलीफायर जो खोल के दिखाया था, तो उसका ये पार्ट 2 है। इसमें भी मेरे पास 3-4 एम्पलीफायर है जिसे मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूँ। 2-3 एम्पलीफायर और है जिसका मैं आपको साउंड टेस्ट कराऊंगा, जो वर्किंग में है और फिलहाल अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और मेरे एक न्यू चैनल और है जो रुस्तम राज ऑफिशियल है, इस पर मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ, एक बार उसे जाके चेकआउट जरूर करें। तो गाइस, ये है ओनकियो का एक एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर है TXDS474। ये इसका मॉडल नंबर है। ये फिलहाल वर्किंग में नहीं है। ये देखिए, इसका ये बटन नहीं है, बाकी इसका ये वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो आपको इसकी कंडीशन में दिखा दूँगा। जैसे काफ़ी ज़्यादा हैवी है और काफ़ी ज़्यादा वेट है इसमें। ये इसके पीछे का सारे वो है जिसमें ये पूरा ये टूटा पड़ा है और ये भी टूटा पड़ा है और इसके पावर केबल भी नहीं है। आपको मैं इसके अंदर की कंडीशन दिखा दूँगा कि अंदर की कंडीशन कैसी है। ठीक है, अगर आपको ऐसी कंडीशन में चाहिए, अगर आपको इसका पार्ट्स वार्ट्स चाहिए होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा माइक ख़राब हो गया तो तभी आपको थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो ये मैंने पूरा खोल दिया है, तो आपको इसके अंदर दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है इसके। ठीक है, अगर ये मैंने अंदर का पार्ट्स खोल दिए, आपको ऐसे दिख रहा होगा। तो अभी तो देखिए आप, अंदर वैसे पूरा जाला वाला लगा पड़ा, थोड़ी सी जंग सी है इसमें और इसकी कंडीशन भी ज़्यादा मुझे खास लग नहीं रही है। ठीक है, ये इसकी ऐसी कंडीशन है और थोड़ा जंग से लगा, जैसे इसमें पानी घुस गया और इसमें जंग लग गया। काफ़ी ज़्यादा वेट, मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप, ऐसे देख सकते हो। तो इसका ट्रांसफार्मर वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी ट्रांसफार्मर है इसका, और बाकी इसके पार्ट्स वार्ट्स ये हैं। अगर आपको इसके पार्ट्स को लगता है कि आपके काम आ सकता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, इसके पार्ट्स हैं, ये फिलहाल ऐसी कंडीशन में है। अगर आपको ऐसी कंडीशन में चाहिए होगा तो आपको ये मिल जाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट है ये डेनोन का एक और एम्पलीफायर है जिसका मॉडल नंबर है AVR 1612, मतलब 1612। ये इसका मॉडल नंबर है और ये कहाँ का है, ये मेड इन चाइना, ये मेड इन चाइना का है। तो आपको मैं इसके पीछे की कंडीशन दिखा देता हूँ पहले, अगर आप ये देख सकते हो तो ये वाला है। ये देखो, पूरा मैं टेप से चिपका रखा है क्योंकि ये पूरा बाहर आ रहा है। तो आपको मैं इसको खोल के दोबारा दिखाने वाला हूँ, तो आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। कुरियर वाला आएगा, वो कल उठा के दे, पार्ट्स वार्ट्स चाहिए होंगे तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। बाकी आपको मैंने नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको उसके अंदर की कंडीशन लगा देता हूँ। खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर खोलना भी है, फिर बंद नहीं करना है, तो इसलिए मेरी पिछली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसे इसमें कवर नहीं करा था। तो मैं आपको उसके अंदर की कंडीशन दिखा दूँगा, ये देख लीजिए इसकी कंडीशन। ये इसका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हैवी है और ज़्यादा बुरी हालत में भी नहीं है, बोर्ड बिल्कुल साफ है इसका। और ये फ्यूज लगे पड़े हैं, फ्यूज भी है इसमें, बाकी सब अंदर का बोर्ड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है अंदर का बोर्ड, कहीं से कुछ भी नहीं है। बस ये पत्ता टूटा पड़ा है इसका, ये टूटा पड़ा है, इससे शायद ये चलेगा नहीं, बहुत गंदी हालत में टूटा पड़ा है। क्या बताइए, इसमें लगने के बाद चल जाए, और इसकी केबल भी शायद नहीं है इसमें। बाकी आप इसका फ्रंट देख लीजिए, फ्रंट कितना डैमेज हो रखा है, ये पूरा डैमेज हो रखा है, ये पूरा ख़त्म हो रखा है। बस आपको इसका पार्ट्स वार्ट्स काम आ जाएंगे इसके, और इसके जो फ्रंट वॉल्यूम ये आपको काम आ सकते हैं। अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरा, अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बस फ्रंट इसका ख़राब हो रखा है। अगर आपको इसी कंडीशन में चाहिए तो आपको मिल जाएगा 5000 रुपये का। बाकी आप मुझसे बात कर सकते हो, मैंने आपको नंबर दे रखा है, आप मुझसे बात कर सकते हो। साफ सुथरा साइकिल, क्या पता ये चल जाए, मुझे तो रिपेयरिंग करना आता नहीं है। इसके अंदर के पार्ट्स बोर्ड सब अंदर घुसे पड़ा है, बोर्ड के अंदर घुसा पड़ा है। इसका मॉडल नंबर ये है 1612, मैं पकड़ देता हूँ।
ठीक है, मैंने आपको उसका प्राइस बता दिया, उसकी कंडीशन दिखा दी अंदर खोल के। बाकी आप ऑर्डर करना चाहते हो ऑर्डर कर सकते हो, बाकी आपको पैकिंग और कोरियर का चार्ज लगेगा जितना भी होगा। अगर आप आ सकते हो तो आके ले सकते हो, तब आपको मैं नेक्स्ट दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, तो गाइस नेक्स्ट है सोनी का एम्पलीफायर एक, जिसका मॉडल नंबर है STRK6800P। ये इसका मॉडल नंबर है और ये इसका फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में देखिए साफ सुथरा पीस तो है, मगर इसमें दिक्कत है, ये पावर लगाने से कट कट की आवाज़ मारता है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ पावर। ये कट कट की आवाज़ मार रहा है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया है इसलिए मैं आपको आवाज़ नहीं सुना सकता। ये कट कट की आवाज़ मार रहा है, क्योंकि आपको मैं इसके अंदर का पार्ट्स खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर का ढक्कन वक्कन खोल के दिखाता हूँ। तो सारे अब जो नया माल आया तो मैं उसी पर डालते रहता हूँ, अगर एक पीस आया तो एक पीस भी डालता हूँ, और कई सारे पीस आए तो मैं उस पर डालते रहता हूँ। ठीक है, वो मेरा एक तरह का ब्लॉग चैनल है, मैं आपको सारी डिटेल उसी में देता रहूँगा। ठीक है, सो जाकर सब्सक्राइब जरूर करना। ये मैंने खोल लिया, पकड़ ढक्कन ही खोल दिया मैंने। अब आपको मैं इसकी कंडीशन दिखाया था, यहाँ से फ्रंट देख लीजिए, पहले बैक साइड देख लीजिए। बैक साइड में ये स्पीकर लगते हैं इसमें, एक दो, ये सराउंड बैक है, बाकी ये फ्रंट है, ये फ्रंट भी है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ स्पीकर इसमें टोटल लगते हैं। बाकी ये कहाँ का, ये मेड इन मलेशिया का है। ठीक है, मेड इन मलेशिया का है। बाकी आपको मैं इसका ऊपर का दिखा, तो ये देखिए ये अंदर इसके सारे पार्ट्स अवेलेबल है इसमें, इसके अंदर के सारे पार्ट्स हैं। ये अंदर का देखो, ये अंदर का ये पता नहीं क्या चीज़ होता है, इसमें भी सोनी लिखा हुआ है। ठीक है, ये है पावर आने के बाद कट 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 मार के कट कट करता है बस खाली, ये कट कट शायद यहाँ से आवाज़ आ रही है इसकी, ये आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो, ये एक है और एक ये है, यहाँ से आवाज़ आती है कट की, आपको नहीं दिख रहा हो यहाँ से। ठीक है, आपको मैंने दिखा दिया, अगर आपको ये चाहिए होगा इसी कंडीशन में तो आपको ये मिल जाएगा 5000 रुपये का। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट दिखा देता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट है ये सोनी का है, एक पता नहीं क्या चीज़ है, इसमें लिखा है स्टूडियो पावर एम्पलीफायर, इसका मॉडल नंबर है TAA790N, इसका ये मॉडल नंबर है। ठीक है, तो जैसे हम एम्पलीफायर समझ के लेके आए थे, मगर ये एम्पलीफायर नहीं है, इसके साथ फ्लोर वाइज लगता है, मतलब इसके ऊपर ये एम्पलीफायर है, इसके ऊपर एक कैसेट का लगता है, फिर उसके ऊपर FM लगता है, फिर उसके बाद CD का लगता है, मतलब ऐसे फ्लोर वाइज होता है पूरा। तो ये फिलहाल ये एम्पलीफायर है, तो इसमें बस ये है, इसमें ये बटन दे रखे दो, एक पावर ऑन का बटन दे रखा है इसमें ये, और हेडफोन्स का ये देखा है, और कोई बटन है नहीं इसमें। पीछे इसमें तो दिखा दूंगा आपको, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं। बाकी इसमें स्पीकर यहाँ लगते हैं, दो, एक दो तीन, तीन स्पीकर लगते हैं यहाँ पर। बाकी इसकी एक वायर आती है यहाँ पर, जो है नहीं मेरे पास, जो इसी के साथ जो फ्लोर वाइज होता है जो उसी में लगता है। ठीक है, ये मेरे पास है नहीं फिलहाल, ये एम्पलीफायर है। वैसे काम कैसे लें कि अगर किसी भाई को चाहिए तो एम्पलीफायर का काम ले सकता है, इसका जुगाड़ करके। ठीक है, फिलहाल हमें तो पता नहीं, अगर आप किसी भाई को चाहिए होगा तो कमेंट करके बता देना। बाकी आपको मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, फिलहाल पहले आपको मैं इसका पावर लगा के दिखाता हूँ। इसका पावर लगा के इसकी लाइट तो आ रही है रेड कलर की, ये रेड कलर की लाइट जल रही है इसमें, अगर आपको दिख रहा होगा, बंद हो गया, चल गया। ठीक है, बस लाइट आ रही है, बाकी आपको मैं इसको खोल दे। तो ये देख लीजिए अच्छी खासी कंडीशन में, ये इसका ट्रांसफार्मर है, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है इसका। बाकी हीटिंग के लिए ये फैन भी लगा हुआ है इसके अंदर, बाकी इसके अंदर के पार्ट्स है। अब ये चालू कंडीशन में है, बस लाइट आ रही है यहाँ पर, डिस्प्ले पर लाइट आ रही है यहाँ पर, बाकी इसमें कुछ ये थोड़े से नोब है, तो ये मेरे समझ से तो बाहर है, बाकी आपके समझ आता तो आप बाय कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा 4000 रुपये का इसी कंडीशन में। ठीक है, बाकी आपको लेना होगा तो मैंने आपको नंबर भी दे रखा है, आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, और पैकिंग और शिपिंग का आपका चार्ज लगेगा, आप कोरियर करवाते हो तो। अब आपको मैं नेक्स्ट दिखाया, तो नेक्स्ट क्या है, तो गाइस नेक्स्ट है ये EB का है, एम्पलीफायर है,
ठीक है, ये चालू कंडीशन में है, मैं आपको इसका साउंड टेस्ट भी करा दूंगा, तो आपको पहले इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा हैवी एम्पलीफायर है ये, इसका वो है सारा रिकॉर्ड, फोनो टेप सीडी ट्यूनर और ऑक्स, ठीक है, ये मेड इन इंडिया है। आपको मैं इसके पीछे की कंडीशन भी दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी सेट है ये, इसके सारे ऑडियो वीडियो पोर्ट है, बाकी ये स्पीकर है, ये स्पीकर 1 2 3 4 चार स्पीकर वाला है। मैं आपको इसकी आपको मैं इसका साउंड टेस्ट भी कराऊंगा, ठीक है, अब आपको मैं इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ, ये इसकी कंडीशन है, अब आपको मैं इसका साउंड टेस्ट करा देता हूँ। तो गाइस आपको मैं इसका साउंड सुना देता हूँ, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत मैं ये बता दूँ, यहाँ देखो ये झड़झड़ आता है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, ये देखो, ठीक है। बाकी आपको मैंने दो स्पीकर लगा दिए हैं ये, तो आपको मैं इसका साउंड सुना देता हूँ। कॉपीराइट के चक्कर में मैंने वाला गाना हटा दिया, मेरे को दूसरा जाना था। ये बज रहा है, ठीक है, अब मैं सीधा कर देता हूँ, ये बज रहा है, ठीक है, सीधा कर दिया मैंने, ठीक है। आपको मैं इसका दूसरा चैनल दिखा देता हूँ, ये वाले चैनल पे बज रहा है, मैं आपको अभी वाले चैनल पे लगा के दिखाता हूँ। गाइस ये मैंने दूसरे चैनल पे लगा दिया, तो उसका मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, मैं चल गया, इसके चारों चैनल चल रहे हैं, और इसमें बड़े वाले स्पीकर लगते हैं, तो मैंने छोटे लगा दिए, लोड नहीं ले पा रहा, ये बड़बड़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसमें बहुत बहुत बड़े बड़े स्पीकर लग जाएंगे, तो बहुत बढ़िया आवाज़ करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट भी है इसमें, ये मैंने ये बीच में कर दिया, ये मैं लगेगा तो पता चलता है, अब मैं उधर कर देता हूँ, तो ये चल रहा है, बाकी इसका पावर में ये बाकी तेज है, ठीक है, इसका मैंने साउंड सुना दिया, तो आपको मैं इसका प्राइस बता दूँ, इसका प्राइस होगा 5-6 रुपये, बाकी आपको पैकिंग और शिपिंग का चार्ज लगेगा। तो गाइस नेक्स्ट ये मेरे पे सोनी का एक एम्पलीफायर है, जिसका मॉडल नंबर आपको मैं बता रहा हूँ, इसका मॉडल नंबर है STR K750P, ठीक है, ये एक एम्पलीफायर है, मैं आपको इसका साउंड टेस्ट भी कराऊंगा, ये वर्किंग में है, मैं आपको इसकी दिक्कत बता दूं, दिक्कत क्या है, इसमें जितने भी ये बटन है, ये कोई सा भी बटन काम नहीं कर रहा है इसका, ये थोड़ा सा ना जिस बंदे का के पास था ये, उस बंदे ने इसमें LP डाल के ना इसको पूरा मतलब फिक्स कर दिया है, तो मैंने थोड़ा सा काम करा है इसमें कि ये थोड़ा बटन काम कर रहा है, मगर काम कोई सा बटन नहीं कर रहा, कोई सा मतलब दब तो रहे मगर काम कोई नहीं कर रहा है, बस इसका वॉल्यूम काम कर रहा है और इसका पावर ऑन ऑफ काम कर रहा है, बाकी आपको मैं इसका साउंड टेस्ट करा दूंगा, इसकी पीछे की कंडीशन दिखा देता हूँ मैं। ये इसकी पीछे की कंडीशन है, ठीक है, इसमें स्पीकर कितने लगते हैं, 1 2 3 4 5 पांच स्पीकर लगते हैं और पांचों चालू है स्पीकर, मैं आपको इसका साउंड टेस्ट करा देता हूँ, बस इसके बटन काम नहीं करे, बाकी ऑन कंडीशन में, ठीक है, आपको मैं इसका साउंड सुना देता हूँ मैं। तो गाइस मैंने ये दो स्पीकर लगा दिए, फिलहाल मैं ये दो स्पीकर चला रहा हूँ मैं, ठीक है, ये दो स्पीकर मैंने इधर लगा दिए, ठीक है, इसकी आपको साउंड सुना देता हूँ मैं। तो गाइस इसे मैंने चला दिया है, तो इसका साउंड सुनिए आप,
ये ऑटोमेटिक ही चल रहा सब कुछ है। इसमें मैंने वेट रखते ही ऐसे ऑटोमेटिक चल रहा है। तो गाइस मैंने इसका साउंड चला दिया। ये मैं नीचे वाले में चला रहा हूँ, देखो ये अपना कंट्रोल हो रहा है। देखिए ये कुछ ना कुछ दिक्कत है इसमें, चल रहा है मगर इसमें ऑटोमेटिक ही सब कुछ हो रहा है। ये बटन दबने के कारण, ये सारे दबे पड़े ना इसलिए सब ये हो रहा है। ठीक है, बाकी ये चलता हुआ है। अगर आपको इसी कंडीशन में चाहिए तो आपको मिल जाएगा 5000 रुपये का, आपको बस रिपेयर कराना पड़ेगा। ये सारे बटन दबे पड़े हैं, जब ये मीटर अपना ऑटोमेटिक ही चल रहा है सारा। ठीक है, बाकी वॉल्यूम का भी चल रहा है सब, ये ऑटोमेटिक भी चल रहा है सर। ठीक है, आपको मैंने इसका प्राइस बता दिया। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही।